करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब साल में दो बार इसकी परीक्षा होगी। वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने जो कदम उठाया है उससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें अभी तक ये परीक्षा CBSE करवाती थी, लेकिन अब नवगठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी। गौर करने वाली बात तो ये कि प्रकाश जावड़ेकर के इस कदम से छात्रों को बड़ी राहत तो मिली है, साथ ही अब छात्र पहले से ज़्यादा और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर छात्र पहले राउंड में नहीं निकल पाते तो वो और ज़्यादा मेहनत करके दूसरे राउंड में सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि इन परीक्षाओं को पास करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन छात्र जिस तरह से इस परीक्षा को पास करने के लिए मेहनत करते हैं वो वाकई में हैरानी वाली बात है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।